दमोह छात्र क्रांति संगठन के प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम संसद शुभारंभ मामले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के मामले में विपक्षी दलों के विरोध को गलत बताते हुए नजर आए। उनका कहना था, सन 2020 में छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के भूमि पूजन को जब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी कर सकती हैं तो श्री मोदी संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कांग्रेस को इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला बताते हुए कहा कि कांग्रेस की नज़र में अकबर महान है, महाराणा प्रताप महान नहीं है। ऐसे में किस तरह से कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल के लोग इस संसद भवन के नए कार्य के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, यह बात किसी को समझ में नहीं आती। एक तो जो ये विरोध करें, जरा उनसे पूछो, अभी 2020 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का भूमि पूजन माननीय सोनिया गांधी जी से किस हैसियत से करवाया गया, जरा उनसे पूछो, ये पूछने का सवाल है। और ये जो विरोध करने वाले लोगों को जरा उनसे फिर पूछने की आवश्यकता है कि नहीं राष्ट्रपति के लिए क्या क्या, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता साहब, फिर अब दोबारा अपमान हो जाएगा उनका। ये जो आज इनका प्रेम उगड़ा हुआ है राष्ट्रपति के प्रति, ये राष्ट्रपति के उगड़े हुए प्रेम को ये पता चलता है कि जब यहाँ 5-6 महीने पहले जब राष्ट्रपति के चुनाव, किन किन भाषाओं का इस्तेमाल किया था, कैसी बोली बोल रहे थे, ये अचानक इनको प्रेम उगड़ दिया। ये इसलिए है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंध है विरोध के नाम पर, वो कुछ भी करें, अभी राष्ट्रपति को बुला लेते ना तो उसका भी विरोध हो जाता कि मोदी क्यों नहीं आया, मोदी आ गए तो राष्ट्रपति क्यों नहीं आए। जहाँ तक सिंगोल का सवाल है, उसको छिपाने का प्रयास नहीं करें, सत्ता हस्तांतरण में जवाहरलाल के हाथों में उन्हीं महात्माओं द्वारा दिया गया था, और उसको ये करके कि जवाहरलाल की वॉकिंग स्टिक है ये करके उसको छिपाने का काम कर रहे हो, क्यों छिपाते हो इसको। इतिहास के तथ्यों को कितना भी छिपाओगे, इतिहास अपने आप बार बार अपने सामने आएगा, बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। कितना इतिहास आपने छिपाया, देश के क्रांतिकारियों को इतिहास छुपाने का इसी 75 साल के भीतर कांग्रेस के लोगों ने किया। इतिहास लिखने वाले कौन है, क्यों अकबर सम्राट महान लिखते रहे, क्यों महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं लिखा, क्यों शिवाजी महान नहीं लिखा, क्यों औरंगजेब महान लिखते रहे, ये प्रश्न उनसे पूछने की आवश्यकता है। आज ये विरोध करने वाले हैं ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं कि उस इतिहास को बना रहने दिया जाए। अंग्रेजों की गुलामी का इतिहास हमारे बच्चे पढ़ें, उन तमाम मुगल शासकों के इतिहास को हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे उन क्रांतिकारी वीरों को, भगत सिंह को नहीं पढ़े, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पढ़े, हमारे वीर शिवाजी को नहीं पढ़े, हमारे महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ने पावे, ऐसी सोच की ये लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, बनाया जाना संविधान के खिलाफ छेड़छाड़ कैसे होगी, बैठता दूसरे प्रधानमंत्री थे ना, राष्ट्रपति बजट भाषण के लिए आते हैं, और फिर मैं यही तो प्रश्न कर रहा हूँ ना कि फिर वहाँ गवर्नर